हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द संतनु प्रियदर्शी चैनल। तो गाइज, इस वक्त हम इंडिया के सबसे मशहूर हांडी मटन का होटल ददन हांडी मटन होटल है और ये होटल बिहार के राजधानी पटना में स्थित है। तो गाइज, ये जो होटल है वो पूरे इंडिया का ही मटन के लिए जो फेमस होटल होता है उसमें इसकी काउंटिंग सबसे नंबर वन पे होती है। और ये होटल पटना में सगुना मोड़ से जो रोड दानापुर रेलवे स्टेशन के तरफ जाता ही है उसी रोड में ये होटल स्थित है गाइस। और यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग यहाँ के मटन को खाने के लिए आते हैं गाइस, क्योंकि ये मटन ही कुछ इस तरह का टेस्ट इसमें मिलता है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सीधा इस होटल के अंदर चलते हैं। तो इस वक्त गाइज इस होटल के अंदर आ चुके हैं और मैं आप सभी को मिलवाऊंगा। यही है जो ददन मटन हांडी के को मेकिंग करते हैं और काफी अच्छे तरीके से मेकिंग करते हैं। आप जितने भी वीडियो देखेंगे वो इन्हीं का रहता है। शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता, जो घास खाता है ना सर उसी को शेर खा जाता है। इधर इस वक्त प्याज काटा जा रहा है और काफी सारे प्याज काटे जा रहे हैं। तो ये जो चूल्हे का भट्टी दिख रहा है, इसी भट्टी पे लकड़ी के कोयले को इस्तेमाल करके हांडी मटन बनाया जाता है गाइस। इधर गाइस लहसुन की कुटाई स्टार्ट हो गई है। कितना केजी लहसुन कुटा रहे हैं इस वक्त? चार किलो। 4 केजी लहसुन अभी कुट रहे हैं। कितना केजी मटन बनेगा इसमें? 40 किलो। 40 किलो मटन बनेगा और 20 केजी प्याज और 4 केजी लहसुन उसमें डाला जाएगा। एकदम एकोरेक्ट निशाना लगाते हैं और बाहर फेंक दिया जाता है। सारा हांडी इधर में फेंका जाता है भैया, इधर में पैकिंग हांडी का हांडी मटन चला जाता है। अब फिर मिस पर मटन बैठाने जा रहे हैं 40 केजी। आपको पूरा वीडियो में बने रहे हैं, दिखाते हैं कैसे मटन बनता है ददन हांडी होटल का। तो सुन लिए ना गाइज किस तरह से कितने एक्साइटेड हो करके भैया बनाते हैं। और थिंक मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं किसी चैनल पे भैया जी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। इनका अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी सूरज कुमार जी से है और मैं आप सभी को इन्हीं के द्वारा पूरा मेकिंग आप सभी को दिखाने वाला हूँ। इधर गाइस तेल डाला जा रहा है। कितना तेल डाला जाता है? 1 किलो में 300 ग्राम तेल रहता है। 40 केजी मटन में कितना डाला जाए? 12 किलो। किस कंपनी का तेल है? स्कूटर छापे है, सरसों तेल है। अच्छा, सरसों तेल। पूरा मतलब की देसी स्टाइल में ही यहाँ मटन बनाया जाता है। लहसुन प्याज का संगम हो रहा है भैया, देखिए लहसुन इसमें छिटा गया था, प्याज में जलाया जा रहा, मिलाया जा रहा, चलाया जा रहा, लहसुन प्याज को इसको संगम हो गया। सूखा मिर्चा का पाउडर जा रहा है इसमें, ये सूखा मिर्चा होता है, इसको नजर गुजर ना लग जाए कहूँ हमार मटन में, यही गुण हम पेरा मिर्चा छिड़ते हैं। देखिए हरदी, हरदी पड़ रहा है, हरदी पाउडर होता है, ये जीरा गुलकी का पाउडर पड़ रहा है, ठीक ना, जीरा गुलकी का पाउडर पड़ गया, डालिए नमक का पाउडर, नमक पड़ रहा है, मिर्च का मसाला पड़ रहा है, कश्मीरी जो कलर आता है मटन में, हाँ देखिए टेस्ट में, देखिए मीट मसाला पड़ रहा है MDH का, तो गाइस लमसम अब पूरा मटन मिला लिख करके रख लिया गया है और साइड में भी एक कढ़ाई में भी मिलाना बाकी है। और भैया अपना कुछ एक स्लोगन है वो भी बोलेंगे, बोलिए भैया। मटन दम मसाला कम, भौजी नाचे छमा छम, मटन खाइए दो दिन में रहिए मगन भैया। तो गाइज अब टाइम आ गया है ददन हांडी का। तेल में जो छोका लगता है वो जो कि काफी ज्यादा इंडिया फेमस है, जो कि सूरज जी के द्वारा लगाया जाएगा, जिसमें वो काफी अपने अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी मारते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को वो दिखा देता हूँ। पचाहिन 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 निकल जाता है भैया, जलापन कचापन सब निकल गया भैया। शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाते हैं, मांस खाते हैं भैया। हर हांडी में देखिए 4-4, 5-5 मिचाई जाएगी, 5 मिचाई जाएगी कम से कम। ददन हांडी मटन बनेगा भैया, टेस्ट में बेस्ट, स्वाद में बादशाह। आपका ध्यान किधर है? मटन का हीरो इधर है, ददन हांडी होटल, टेस्ट में बेस्ट, स्वाद में बादशाह मिलता है भैया। खाइए ददन में, रहिए मगन में,
मोम तो मोम है, पत्थर को पिघलते देखा, ददन हांडी को मटन खा के लोगों को बाह बाह बोलते देखा। भैया कत्ल करना है तो नैन से करो, तलवार में क्या रखा है, मटन खाना है तो ददन हांडी होटल में खाओ, किसी और में क्या रखा है। तो गाइस यहाँ पे हांडी सब सरिया लिया गया है और उसमें इस वक्त पांच पांच चार चार मिर्चाई का फोरन डाला जा रहा है। क्या डाल रहे हैं? इलायची का है, इलायची डाल रहे हैं, कूटा हुआ इलायची है, सब में थोड़ा थोड़ा जाएगा, सब हांडी में थोड़ा थोड़ा। अब क्या डाल रहे हैं? ये देखिए खारा जीरा पड़ रहा है, खारा खारा जीरा सब हांडी में जरा जरा जाएगा सर, टेस्ट में बेस्ट स्वाद में बादशाह बनेगा। जीरा के बाद क्या डाल रहे हैं? जीरा के बाद देखिए दालचीनी हो गया, जो लकड़ी टाइप पर होता है, खुशबूदार लकड़ी होता है, जो हर मटन में पड़ता है। दालचीनी डालने के बाद क्या डाल रहे हैं? खारा वाला गोलकी डाल रहे हैं, जीरा उरा डाल चुके थे, मिर्चाई उचाई सूखा। ये देखिए दालचीनी के बाद ये पड़ रहा है खारा वाला गोलकी, सब हांडी में सब पता पड़ रहा। तो ये देखिए हर हांडी में 350 ग्राम 400 ग्राम तेल पड़ जाता है। तो गाइज हांडी मटन में इस वक्त मेकिंग चल रहा है और अब गरम तेल हांडी में डाला जा रहा है। जब तक हम एक ग्राहक हैं जो अंदर से खा करके बाहर आए हैं, तो उनसे आप सभी को रिव्यू लेकर के बता देते हैं कि उन्हें कैसा लगा। यहाँ का टेस्ट भी आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है सर, लोग हम पहली बार आए हैं, बोला गया कि ददन हांडी बुनिया खाना खाता है, खाए पहली बार, टेस्ट में बेस्ट था ददन हांडी। प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है, भर पेट मिल रहा है 250 रुपया में। इंडिया का इसको बेस्ट हांडी मटन होटल कह सकते हैं? कह सकते हैं, अपना बिहार में तो कह ही सकते हैं। नहीं बिहार में नहीं, आपको वैसा लगा ना? हाँ अच्छा लगा, थैंक यू भैया। तो गाइस सारा कुछ हो गया है और अब हांडी के अंदर जो मटन तैयार करके रखा गया है उसे अब इसके अंदर डाला जाएगा। इधर गाइस सारे हांडी में मटन को पूरा एकदम भर दिया गया है और अब थोड़ी ही देर में सामने वाले चूल्हे की भट्टी पे जा करके ये मटन को रख दिया जाएगा। तो गाइस अब हम इस होटल के सिटिंग एरिया में आ गए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1/12/2022 से कुछ प्राइस इस प्रकार रहने वाला है। 20 ग्राम हांडी मटन चावल रोटी आपको 250 में मिलेगा और जो भी आप सभी को रेट देखना है वो आप देख लीजिए पॉज करके। ददन हांडी मटन का गाइस सीटिंग एरिया दो भागों में बनाया गया है और एक भाग जिसमें आप जो जेंट्स लोग हैं वो बैठ करके खाते हैं और बाकी जो दूसरा भाग जो है उसमें लेडीज या फिर आप फैमिली के भी साथ आते हैं तो आपको उधर ही बैठाया जाएगा। तो सामने भैया जी हैं, वो ददन हांडी का मटन खा चुके हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कैसा लगा भैया खाने में? एक नंबर है, नो डाउट, परमानेंट कस्टमर है। परमानेंट कब से यहाँ आ रहे हैं? लगभग 1.5-2 साल से, 2 साल से तो जरूर है, क्योंकि पहले आपका ये रिनोवेशन नहीं था, ये अभी रिनोवेशन हुआ, सेपरेट हो गया है, तो पूरा टोटली डिफरेंट हो गया, लेकिन टेस्ट वैसा का वैसा ही है और इम्प्रूवमेंट है, नीचे तो नहीं गया, नीचे नहीं गया। सबसे बड़ी बात है, कि जो क्वालिटी है क्वांटिटी है जो मेंटेन पहले किया गया तो वह भी मेंटेन हो रहा है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो रोटी हो राइस हो किसी चीज में, किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राइस का क्वालिटी जो है, क्वांटिटी कोई भी दे देगा, क्वालिटी मेंटेन करना होता है। सही बोले आप। आपको कैसा लगा भैया? ये ददन हांडी तो बेस्ट है ही, इसमें कैसा लगने का क्वेश्चन ही नहीं है, राइस होता है। यहाँ का सबसे स्पेशल और खास चीज है सर्विस। टेस्ट तो सब जगह है, टेस्ट तो यहाँ पे बेस्ट है ही, लेकिन यहाँ का सर्विस और भी अच्छा है। सर्विस जो चीज चाहिए तुरंत सब लड़का लोग ला करके वो चीज अवेलेबल करा देता है, और टेस्ट के मामले में तो नो डाउट अनबीटेबल है, बेस्ट है, और एक परफेक्ट प्राइस में जो होना चाहिए, जो क्वांटिटी के साथ, वो बेस्ट है इसका। पूरा एकदम संतुष्ट होते हैं? हाँ, ये फुल टू सेटिस्फाइड है। कब से यहाँ आ रहे हैं?
काफी रेगुलर है, हम लोग तो ऑफिशियल स्टाफ है, तो रेगुलर जब भी भूख लगे यहीं आते हैं भाई। बस पिज्जा विज्जा ना सही, दन हांडी मस्त है अपना बस। तो अब एक और हमें मिल गए हैं लमसम, अब पूरा टेस्ट कर चुके हैं, आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सर्विस खाना दोनों अच्छा है, सर्विस खाना दोनों दोनों अच्छा, दोनों अच्छा। तो हांडी बैठाने का प्रोसेस गाइस वो स्टार्ट हो गया है, और थोड़ी ही देर में इसको चलाने उलाने के बाद ये मटन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। दादन हांडी होटल का बैठ चुका है सैया भैया, देखिए कितने सारे हांडी यहाँ पर सजे हुए हैं, अब मटन बन रहे हैं, दो घंटा टाइम लगेगा मटन बनने को। ये देखिए मटन बनकर रेडी हो चुका है। मटन बनने के बाद गाइस कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग कितनी ही टाइट से की गई थी, और इसमें एकदम नाम मात्र के ही पानी का उपयोग किया गया है। तो गाइस अब हमारा पूरा मेकिंग प्रोसेस होने के बाद अब हमारा जो मटन हांडी है उसका मटन भी आ गया है, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस थाली में मुझे 3 पीस रोटी मिला था, बट मैंने 2 पीस अभी लिया है, और कॉम्प्लीमेंट में आपको प्याज भी मिल जाता है और चटनी भी यहाँ पे मिलेगा साथ में। तो गाइस सभी लोगों का रिव्यू लेने के बाद अब टाइम आ गया है मेरे रिव्यू का, तो सबसे पहले इसको खाते हैं। एक दो बाइट गाइस मैंने पहले ही खाया था, मुझे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा लगा। अभी रोटी लिया हूँ, थोड़ी देर में रोटी फिनिश करने के बाद चावल भी मंगवाऊँगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है, ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं है, थोड़ा एकदम हल्का स्पाइसी है। जिन्हें स्पाइसी खाना नहीं पसंद है वो भी इस यहाँ के मटन को खा सकते हैं, और इसकी स्पेशलिटी भी यही है कि आप यहाँ के मटन को इन्हीं के स्टाइल में बना हुआ जिस स्टाइल में रहता है उसी स्टाइल में खाएं। तो गाइस चावल भी आ गया, देख सकते हैं चावल की क्वालिटी कैसी है, और 4 पीस मटन मिला था, 200 ग्राम मटन में 4 पीस चढ़ा था। यहाँ के गाइस स्पेशलिटी ये भी है कि आप जितना ग्रेवी चाहो उतना आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और 1/12/2022 से यहाँ पे 1 दिसंबर 2022 से गाइस यहाँ पे रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और 250 रुपये में आप सभी को रोटी चावल और 4 पीस मटन 200 ग्राम मटन के साथ खिलाया जाता है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे आप मटन खाते हैं चावल के साथ खाएं चाहे या फिर रोटी के भी साथ, आपको ग्रेवी जो है यहाँ पे अनलिमिटेड मिलने वाला है, रोटी भी अनलिमिटेड और साथ में चावल भी आप सभी को अनलिमिटेड ही मिलने वाला है। सिर्फ आपको यहाँ पे प्राइस मटन का लगने वाला है, आप जितना भी मटन लेते हो उस हिसाब से आप सभी को चार्ज लगेगा। तो गाइस ददन हांडी मटन होटल का हांडी मटन खा लिया, मैंने फर्स्ट टाइम हांडी मटन खाया, और मैं आप सभी को बता दूंगा सकता हूं कि मेरा यहां का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पूरी वीडियो के जो प्रोसेसिंग भी की गई वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई, और भी जितने लोगों ने पहले भी रिव्यू दिया था उन्होंने भी काफ़ी अच्छी रिव्यू दिया, और उन सारे रिव्यू से भी मैं भी संतुष्ट हूँ। और मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप पटना आओ तो अगर लिट्टी चोखा खाते हो तो कम से कम एक बार ददन हांडी मटन का होटल का एक बार हांडी मटन भी आप सभी को ट्राई करना चाहिए। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का इस वीडियो का अंत करता हूँ, और आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइस मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल आपके का सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।